यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर गोंडा में सरकारी नौकरी का मजाक जानबूझकर बना दिया गया, या फिर अनजाने में कह पाना मुश्किल है, लेकिन मामला ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ एक महिला कर्मचारी बिना काम किए अपनी तनख्वाह निकाल पाने में कामयाब है। ये एक ऐसा मामला है जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसकी जड़ें कहाँ तक है यही खोजना बाकी है। गांव वालों की नाराजगी और विरोध में उठी आवाजें विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और विभाग में पल रहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। जब बिना काम किए सरकारी पगार वक्त पर खाते में अपनी आमद दर्ज करा रही है और जिसको सरकारी पगार मिल रही है, आरोप है कि वो पिछले 5 साल से गायब है। मतलब कि पता ही नहीं है कि वो है तो है कहां। सरकारी नौकरी में जुगाड़ की पुरानी प्रथा है। आरोप है कि ऐसी एक प्रथा का निर्वहन गुंडा के तरबगंज विकास खंड के गड़ौरी ग्राम सभा में किया गया है। एक रोजगार सेवक सरकारी दस्तावेजों पर नियुक्त है, लेकिन कहीं नजर नहीं आती। दरअसल जो आरोप लगे हैं वो है गड़ौली ग्राम सभा में काम करने वाली महिला रोजगार सेवक पर, जिनका नाम है प्रिया श्रीवास्तव, जो पिछले 5 साल से तैनात है और बकायदा गोंडा में ही अपने परिवार के साथ रह रही है, लेकिन तरबगंज विकास खंड की गड़ौली ग्राम सभा में नजर तक नहीं आती। आरोपी की रोजगार सेवक प्रिया श्रीवास्तव के काम को कोई और उनके नाम पर संभालता है। सुशील श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति पिछले 5 साल से प्रिया श्रीवास्तव के नाम पर काम कर रहा है और साथ ही साथ बीएलओ की ड्यूटी भी कर रहा है। इसके साथ ही गांव वालों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के साथ मिलकर सुशील श्रीवास्तव लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करता है और इसका खामियाजा गड़ौली गांव को भुगतना पड़ रहा है। कितने रोजगार सेवक को ये है, बीएलओ भी है, जी ग्राम जो सेवक हैं वो प्रिया श्रीवास्तव हैं, कार्यभार संभालते हैं ये क्या नाम इनका सुशील श्रीवास्तव, जबकि ये उनके कोई रिश्तेदार और कुछ भी नहीं है। ये फर्जी दस्तखत बनाते हैं। दूसरी, ये किसी को भी जब मन में आया अंदर कर दिया, जैसे जो उसमें पात्र हैं उसको नहीं भरते हैं, जो पात्र अपात्र हैं जिसके पक्का भी बना उसको भरवा देते हैं। मतलब मनरेगा मजदूर, मनरेगा में एक एक घर में तीन तीन चार चार आदमी कर दिया और किसी घर में एक भी नहीं रखा। प्रिया यहाँ आती है? नहीं, प्रिया यहाँ आज तक नहीं आई, 5 साल हो गया। इस गांव की नहीं है क्या? ना, उनकी शादी हो गई, अपने गायत्रीपुरम में अपने ससुराल रह रही है। अच्छा। उनका कार्यभार यही संभाल रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर सिग्नेचर जो कुछ बनाना होता है ये बना देते हैं, बात खत्म। गाँव वालों का आरोप है कि सुशील श्रीवास्तव फर्जी तरीके से तैनात है और मनमानी करते हुए मनरेगा मजदूरों को काम बांट रहा है, जबकि अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं। गांव वालों के आरोप है कि एक घर में कई सदस्यों को मनरेगा का काम दे दिया गया है, जबकि गांव में ही कई लोग ऐसे हैं जिनको मनरेगा का काम नहीं दिया गया। साहब के यहाँ हमने रोजगार सेवक के विरुद्ध किए थे, बहुत अनर्गल काम हुआ है और जिसमें वो गोंडा उनकी शादी हो गई है रोजगार सेवक जो है 5 साल पहले, उनका कार्यभार यहाँ सुशील श्रीवास्तव देख रहे हैं, जिसमें अनेकों प्रकार का यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हमने सीडीओ साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे दिया है, डीएम के यहाँ भी दे दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन रोजगार सेवक हैं आपके यहाँ? यहाँ प्रिया श्रीवास्तव हैं, उनकी 5 साल शादी की हो गई, उनका कार्यभार देख रहे हैं सुशील श्रीवास्तव, सारा व्यवस्था। उसके बाद हम लोग हर चीज की मांग किए, कोई मांग का नहीं, सीडीओ साहब से भी किए हैं एप्लीकेशन द्वारा एफिडेविट लगा के, उसके बाद डीएम साहब को भी, और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हमें यही चाहिए कि ये रोजगार सेवक जो हैं ये बर्खास्त किया जाए इनको और दूसरा रोजगार सेवक नियुक्त किया जाए। गांव वालों के आरोप को लेकर अब मुख्य विकास अधिकारी से भी शिकायत की गई, जिन्होंने इस मामले की जांच खंड विकास अधिकारी को सौंप दी है और पूरे मामले की गहनता से जांच करने की बात कही। गड़ौली गांव में रोजगार सेवक है, आरोप है कि वहां पे रोजगार सेवक पिछले 5 साल से नहीं आ रही है, उनका काम कोई प्रॉक्सी देख रहा है दूसरा। इसकी शिकायत मुझे अभी प्राप्त हुई है, तो इसमें मैंने वीडियो से बात करी है और उनको बोला है कि ये मौके पर जांच करके, गांव में जांच करके उसकी आंखें बनाकर भेजे, उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। जांच के बीच ये सवाल आकर खड़ा हो गया है कि आखिर एक रोजगार सेवक गायब है, उसकी जगह पर दूसरा रोजगार सेवक 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन अधिकारियों को पता तक नहीं है। दरअसल रोजगार सेवकों की नियुक्ति 2006 से शुरू हुई, जिनका काम ग्राम पंचायत में मनरेगा मजदूरों को काम उपलब्ध कराना है और साथ ही ग्राम पंचायत और ब्लॉक के अफसरों से तालमेल कर मजदूरी का भुगतान कराना है,
लेकिन गोंडा में तो रोजगार सेवक ही गायब है और जो दूसरा रोजगार सेवक काम देख रहा है वो मनमर्जी कर रहा है। ऐसे में तालमेल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्णा की रिपोर्ट।